नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ बुशरा और हमारी खास पेशकश मिशन चंद्रयान तीन में बात कर रहे हैं कि भारत के चंद्रयान तीन मिशन की चर्चाएं पूरे विश्व में हो रही हैं। भारत अपने मिशन चंद्रयान तीन को लॉन्च करने की सभी तैयारियां पूरी कर चुका है और एक बार फिर से इतिहास रचने जा रहा है। दरअसल दोपहर 2:35 पर चंद्रयान तीन चांद की ओर उड़ान भरेगा और करीब 35 से 50 दिन की यात्रा करने के बाद चंद्रयान तीन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास लैंडिंग होगी। चंद्रयान तीन को चंद्रमा पर भेजने के लिए LVM-3 लॉन्चर का इस्तेमाल किया जा रहा है। चंद्रयान तीन की लॉन्चिंग श्री हरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर के लॉन्च पैड से शुरू होगी, जिसमें चंद्रयान तीन मिशन साल 2019 में किए गए चंद्रयान 2 मिशन का फॉलो अप मिशन है और इस मिशन में लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग और रोवर को सतह पर चलाकर देखा जाएगा। इसके माध्यम से जानकारी एकत्रित की जाएगी और चंद्रयान 2 में लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर था, जबकि चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर के बजाय स्वदेशी प्रोपल्शन मॉड्यूल है, जिसमें जरूरत पड़ने पर चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर की मदद ली जाएगी और प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रयान 3 के लैंडर रोवर को चंद्रमा की सतह पर छोड़कर चांद की कक्षा में 100 किलोमीटर ऊपर चक्कर लगाता रहेगा। ये कम्युनिकेशन के लिए अच्छा जरिया होगा, जिसमें सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग यानी सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रयान 3 का एक प्राथमिक उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग करना है। यानी इस बार और ज्यादा जानकारी चांद से जुटाई जा सके, इसके लिए ये फॉलो अप जो मिशन है वो किया जा रहा है। यानी चंद्रयान 3 के मिशन का जो उद्देश्य है वो शुरू हो चुका है। इस मिशन का उद्देश्य चंद्रमा पर सटीक लैंडिंग हासिल करने में भारत की तकनीकी क्षमताओं का प्रदर्शन करना है। रोवर एक्सप्लोरेशन यानी चंद्रयान 3 चंद्रमा पर घूमने और एक्सप्लोर करने की अपनी क्षमता प्रदर्शित करने के लिए चंद्रमा की सतह पर एक रोवर तैनात करेगा। दरअसल समझ लेते हैं कि रोवर इन सीटू वैज्ञानिक प्रयोग करेगा और चंद्र पर्यावरण के बारे में बहुमूल्य डेटा एकत्रित करेगा और साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के तहत चंद्रयान 3 मिशन का लक्ष्य चंद्रमा पर ये एक्सपेरिमेंट करना है। ये प्रयोग चंद्रमा की सतह की संरचना करेगा, यानी कि उसकी जो आउटर लेयर है उसको बहुत अच्छे से नजदीक से जो तस्वीरें हैं वो पहली बार भारत जुटा पाएगा। इस चंद्रयान 3 के मिशन का जो मेन उद्देश्य है वो यही है। यानी इस मिशन के पूरा होने के बाद भारत वो पहला देश होगा जो चांद की इतनी नजदीकी डिटेल निकालकर वापस आएगा। तो अन्य विशेषताओं के बारे में अगर जानकारी प्रदान कर पाए इस मिशन के बाद, तो भारत का अपने आप में एक और नया कदम होगा सफलता की ओर। चंद्रयान 3 को अंतर्ग्रही मिशनों के लिए आवश्यक नई तकनीकों को विकसित करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए डिजाइन इसे किया गया है और ये अंतरिक्ष यान इंजीनियरिंग, लैंडिंग सिस्टम और खगोलीय पिंडों पर गतिशीलता और क्षमताओं से प्रगति में मदद करने वाला है। और ज्यादा जानकारी के साथ मध्य प्रदेश भोपाल से संजय डोंगरदेव हमारे संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ रायपुर से हेमंत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले संजय, आपसे जानना चाहेंगे एक और मिशन पर जब भारत है चंद्रयान 2-3 को लेकर के, इसे देखने के लिए, इसे नजदीक से जानने के लिए, जाहिर है इस तरीके के जब मिशन होते हैं तो बच्चों को इसकी खास तौर से जानकारी दी जाती है कि आगे चलकर अगर वो इसमें आगे बढ़ेंगे तो उनकी नॉलेज के लिए बहुत अच्छा है। तो क्या राज्य स्तर पर इसको लेकर के, बच्चों के देखने को लेकर के कोई इंतजाम किए गए हैं?
बिल्कुल बुशा, मैं इस टाइम कर रहा हूँ आंचलिक विज्ञान केंद्र में। आप देख सकते हैं कि अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये बच्चे, देखिए बच्चे जो हैं, सारे बच्चे यहाँ पे अपनी इस चंद्रयान को देखने के लेकर, जिस प्रकार की चंद्रयान 3 का जो अभी यहाँ से विदाई होगी तो उसको देखने के लिए यहाँ बच्चों की काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हुए हैं। यहाँ अधिकारी यहाँ उपस्थित हुए हैं, स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी यहाँ आए थे, जिन्होंने बच्चों को लेकर एक अच्छा उत्साह भरा हुआ है। बच्चों में भी ये उत्साह है कि जो चंद्रयान 3 है उसको उसकी लॉन्चिंग को लेकर एक उन्हें पता चलेगा कि वैज्ञानिक जब इन्हें बताएंगे कि इसे एक एक चीज के बारे में कि किस प्रकार से चंद्रयान काम करेगा और किस प्रकार से उसकी जानकारियां लेकर वो बच्चों तक पहुंची जाए, तो बच्चों में भी एक अलग उत्साह यहां देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी थोड़ा सा समय और बचा है, उसके बाद ये सारे बच्चे जो चंद्रयान 3 की लैंडिंग को लेकर अपने अपने स्थानों पर ग्रहण करेंगे। उसको लेकर जो चंद्रयान 3 की जो लैंडिंग है उसको लेकर आंचलिक विज्ञान केंद्र उन बच्चों को दिखाने को लेकर अलग तैयारी की है कि उन्हें लाइव दिखाया जाए और उन्हें हर चीज के से वाकिफ कराया जाए कि कौन सा चंद्रयान क्या है, उस पर सुविधा है, किस प्रकार से उसमें लैंडिंग की जाएगी और जो पिछला 2 चंद्रयान 2 किस कारण से जो विफल हुआ था, कह सकते हैं जो भटक गया था, उसको किस प्रकार से अब ना होगा और उसमें नई तकनीकों को किस प्रकार से विकसित किया गया है। तो ये पूरी जानकारी इस बार जो आंचलिक विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक हैं और जो बच्चों में मन में उत्साह है, या ये कह सकते हैं जो बच्चों के मन में जो प्रश्न है उसके भी उत्तर देंगे। जी चलिए संजय, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ हेमंत भी जुड़े हुए हैं। हेमंत, अलग अलग राज्यों में भारत की इस नई सफलता को लेकर बच्चों पे इसकी जानकारी पहुंचाई जा सके, इसको लेकर के विशेष इंतजाम किए गए हैं। छत्तीसगढ़ में क्या इंतजाम है? चलिए हेमंत, लौटूंगी मैं आपके पास। आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि तकनीकी खामी के चलते आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही ठीक से। एक बार फिर से इस सवाल का जवाब मैं आपसे लूंगी, तब तक हमारे साथ संजय भी जुड़े हैं। अच्छा, एक बार फिर से हमारे साथ हेमंत जुड़ गए हैं। हेमंत, आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? जी बुसरा, मिल रही है आवाज। जी हेमंत, अभी तक आपने जो जानकारी दी एक बार फिर से हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए। हाँ देखिए बुसरा, रायपुर के अलग अलग कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में व्यवस्था की गई है लॉन्चिंग को देखने के लिए, और 2:43 में आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्चिंग होगा चंद्रयान 3, और गेम चेंजर साबित हो सकता है भारत के लिए। काफी तैयारी इसको लेकर की गई है और तमाम स्टूडेंट पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय फिजिक्स डिपार्टमेंट के यहाँ पर है। 2:43 में ये लॉन्चिंग होगी और बेसब्री से इसका इंतजार किया जा रहा है। कुछ स्टूडेंट से हम बातचीत करते हैं। ये आप बताइए, किस तरीके से चंद्रयान 3 को लेकर उत्साहित हैं आप? बहुत एक्साइटेड है, क्योंकि ये काफी टाइम बाद 3rd आने वाला है, तो उसके लिए हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं। आप बताइए। हाँ, ये हमारे देश के लिए एक अच्छा मौका है, अपने मतलब पूरे देश को, बाकी देशों को दिखाने के लिए कि हम भी अब हम इस स्थिति में है कि हम भी अब चांद पे अच्छा मतलब प्रदर्शन कर सकते हैं और बाकी सब है। ये चंद्रयान 2 काफी पहले दिन पहले समय लॉन्च हुआ था, लेकिन इसको लेकर ज्यादा उत्साहित इस बार नजर आ रहा है, वैज्ञानिकों ने भी काफी तैयारी की है इस बार। जी, चंद्रयान 2 जो है 22 जुलाई 2019 को लॉन्च हुआ था, जिसमें कुछ टेक्निकल इश्यू था, उसके कारण उनका जो है पूर्णता में फलीभूत नहीं हुआ। इस बार उसको और भी इम्प्रूव किया गया है और उन टेक्निकल इश्यू को और सुधारा गया है, और इस बार हम ये सोचते हैं कि अच्छा बेहतर साबित हो इस फील्ड में जो है, एस्ट्रोनॉमिकल फील्ड में। आप क्या सोचते हैं, ये लॉन्च सफल होगा भारत के लिए इस बार? हाँ, इस बार सफल हो सकते हैं। आप क्या कहेंगे? अभी मतलब कुछ चेंजेस किए हैं, तो फिर उम्मीद है कि सफल हो जाए, बस यही उम्मीद। देखिये मुझसे 2019 में चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग हुई थी, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू के कारण वो सफल नहीं हो पाया था, लेकिन इस बार चंद्रयान 3 को लेकर ये उम्मीद जताई जा रही है कि भारत के लिए गेम चेंजर साबित होगा, और जिस तरीके से मेहनत इस बार की गई है, टेक्निकल इशू को यहाँ पर इम्प्रूव करने की कोशिश की गई है वैज्ञानिकों के द्वारा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लाइव इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे, तो काफी उत्साहित है। और छात्रों का भी कहना है कि इस बार सफल होगा ये चंद्रयान 3। बिल्कुल हेमंत, बने रहिए आप हमारे साथ, और संजय आप भी बने रहिए हमारे साथ।
लौटेंगे आप दोनों ही बस। और इसी बीच आपको बता दें कि देश के लिए आज ऐतिहासिक और खास दिन होने वाला है। आज चंद्रयान 3 श्रीहरिकोटा से अंतरिक्ष के लिए रवाना हो जाएगा और यह दिन यूपी के लिए भी बेहद ही खास है। दरअसल इसरो ने चंद्रयान 3 की लैंडिंग की जिम्मेदारी जिस वरिष्ठ महिला को दी है, वैज्ञानिक डॉक्टर ऋतु कढ़ीढाल को सौंपी गई है। वे लखनऊ की रहने वाली हैं। डॉक्टर ऋतु कढ़ीढाल चंद्रयान 3 की मिशन डायरेक्टर हैं और चंद्रयान 2 में मिशन डायरेक्टर भी रह चुकी हैं। डॉक्टर ऋतु कढ़ीढाल के परिवार से खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने, चलिए आपको दिखाते हैं। आज देश और दुनिया के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है, चंद्रयान 3 का आज लॉन्चिंग होना है और ऐसे में जो इसकी कमान जिन्होंने लिया हुआ है ऋतु कढ़ीढाल जी, मैं उनके भाई के साथ हूँ। बहुत ऐतिहासिक दिन है रोहित जी, आज तो बहन इस देश की बेटी, इस लखनऊ की जमी की बेटी आज जो है पूरी दुनिया में ऐतिहासिक कदम की तरफ बढ़ते हुए निकले, क्या कहेंगे आप जी? बहुत गर्व फील होता है और अच्छा काम कर रही हैं देश के लिए, अपनी संस्थान के लिए शुरू से ही बहुत कर्मठ रही हैं, सो पूरा परिवार बहुत प्राउड फील करता है। अच्छा है चंद्रयान सफल हो, ये मिशन और भी सफल हो, सारे मिशन आने वाले। कहा जाता है कि इनका डेडिकेशन बहुत बड़ा शुरू से ही रहा है, रॉकेट वीमेन कहा जाता है इनको, रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया की उपाधि उनको मिली हुई है। वो बचपन से ही उनका मतलब पढ़ाई लिखाई में ही मन लगता था, शुरू से ही उनका पढ़ाई के अलावा, हम लोगों ने तो उनको बचपन से बड़े होते तक कुछ और दूसरा करते देखा ही नहीं, सिर्फ पढ़ाई करते ही देखा। शुरू से ही बहुत मतलब बहुत ही कर्मठ थी, बहुत ही मेहनत करती थी, तो उसी का परिणाम है कि वो जब भी जहाँ भी रहीं, जिस भी स्कूल कॉलेज में रहीं, सब में टॉप किया, लखनऊ यूनिवर्सिटी में रहीं तो भी फिजिक्स की गोल्ड मेडलिस्ट रहीं। फिर यहाँ पे कब तक पढ़ाई किया उन्होंने और कब यहाँ से बेंगलुरु उनकी शिक्षा? और वो 2007 में गई थी, 2007 में बेंगलोर गई थी, सॉरी 1997 में बेंगलोर गई थी फर्स्ट टाइम, तब से तो बेंगलोर में ही, इसरो में ही है। और उसके पहले यहाँ पे पढ़ाई लखनऊ में ही हुआ है? लखनऊ में हुआ, लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ी है, नवयुग विद्यालय में पढ़ी हुई हैं, महिला में पढ़ी हैं, यहीं से उन्होंने अपनी सारी पढ़ाई की, लखनऊ से ही। अचीवमेंट को किस तरीके से देखते हैं? और चूंकि ये खुद की बहन बेटी अपने घर की, जब एक महिलाओं के तौर पे अगर देखा जाए तो कहा जाता है कि देखा जाता है तो महिलाओं को लेकर के, अचीवमेंट को लेकर के अभी बहुत ही निरंकुशता समाज में देखने के लिए मिलती है, लेकिन आज जिस तरीके से एक फिगर बनकर के लोगों के चेहरे पर आएगा, एक फिगर बनकर के पूरे देश दुनिया पर आएगा कि एक देश की बेटी इतने बड़े प्रोजेक्ट को लॉन्च कर रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, बात आपकी, अब देखिए, अब क्या ना, ये अब बेटी और बेटा वाला लेवल से अब ये देश ऊपर जा चुका है, अब ये नहीं रहा। और मतलब हम तो बिल्कुल ही नहीं कह सकते कि रहा, हम लोगों ने तो देखा हमारे घर में सबसे प्रतिभावान हमारी जी रही, बड़ी सिस्टर रही, और वो भी आज से नहीं देख रहे, हम लोग तो बचपन से ही देख रहे, तो बेटी बेटा वाला तो अब ये देश उस चैप्टर के तो बाहर जा चुका है इसमें नहीं। हाँ, बस ये है कि लोगों को अगर उनको मौका मिले, अवसर मिले, तो वो लड़कों से भी बेहतर कर सकती हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है और कर ही रही हैं सभी क्षेत्र में। थोड़ा सा दीदी के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, क्या पसंद ना पसंद, थोड़ा व्यक्तिगत भी हम चाहते हैं कि लोगों को पता चले कि एक बेटी किस तरीके से संघर्ष करते हुए किस तरीके से डेडिकेटेड। बहुत सिंपल है, कोई ऐसा उनका विशेष पसंद ना पसंद नहीं है, मतलब बहुत ही सिंपल लेडी है। मेन चीज है कि वो पढ़ाई के प्रति, कैरियर के प्रति, इन सब चीजों के प्रति बड़ी जागरूक रहती है और बहुत ही ग्राउंड टू अर्थ है। आप अगर मैं क्या बताऊं, मैं बता भी नहीं पाऊंगा कितनी ग्राउंड टू अर्थ है वो, धार्मिक भी हैं, वैज्ञानिक भी हैं, और किसी से मतलब मैंने आज तक उनको तेज आवाज में बात करते नहीं देखा, बहुत विनम्र स्वभाव की हैं, तो मतलब जितनी भी खूबियां हो सकती हैं तो उनमें सब हैं। अच्छा, जब यहाँ पे पढ़ाई चल रही थी, जब उन्होंने कभी तो इच्छा जताई होगी कि हम एयर स्पेस के बारे में स्टडी करना चाहते हैं? वो और बचपन से ही उनके अंदर अंतरिक्ष को लेकर के, परिवार सपोर्ट लेकर के, हाँ परिवार का सपोर्ट रहा। मेरे फादर खुद ही छोड़ने गए थे जब 97 में बेंगलोर गए थे, तो सबका सपोर्ट रहा, फादर का, मदर का, फादर मदर ने कभी, मतलब यही बड़ी बात होती है, हम लोग मानते भी हैं कि 97 में भी मेरे पापा ने ये नहीं सोचा कि इतना दूर 2200 किलोमीटर दूर हम भेज रहे हैं बेटी और लखनऊ से बेंगलोर जाना और इस तरीके के ऐसे सेक्टर में, जिस सेक्टर में जाने के लिए पुरुष भी एक बार जो है सोचता है कि हमारी कैरियर क्या होगा, भविष्य क्या होगा, ऐसे में एक परिवार की लड़की को, परिवार का सपोर्ट तो मतलब होता ही है, परिवार के सपोर्ट के बिना तो आप किसी भी क्षेत्र में कुछ भी नहीं कर पाएंगे, बड़ा मुश्किल रहता है, तो परिवार का सपोर्ट, उनको माता पिताजी का पूरा सपोर्ट मिला और वो सपोर्ट में पूरी खरी उतरी।
एक मैसेज दे दीजिए आप इसके लिए। मैं मैसेज मैं भाई बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी और आने वाले सारे मिशनों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, सफल तो होंगे ही होंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आप थे रोहित करडाल जी जो जो इसमें लीड कर रही है, रितु करडाल श्रीवास्तव जी की के भाई हैं और जिन्होंने शुभकामनाएं प्रेषित किया और कहा है कि महिला और पुरुष यानी बेटा बेटी में अब कोई फर्क नहीं रहा है, अब देश इससे काफी आगे जा रहा है। यही कारण है कि इस लखनऊ की बेटी, इस लखनऊ सरजमी में पढ़ने वाली बेटी आज देश दुनिया में नाम रोशन कर रही है और अपना नाम जो है अपने नाम के साथ साथ इस देश प्रदेश का और इस राजधानी लखनऊ का भी नाम ऊपर कर रही है। कैमरामैन समर के साथ घनश्याम निशान चौरसिया, स्वराज एक्सप्रेस न्यूज़ लखनऊ। और लगातार जैसा कि हमारे संवाददाता संजय और हेमंत जुड़े हुए हैं, संजय आपसे जानना चाहेंगे क्या माहौल है, लोगों के बीच में उत्साह कितना है, और मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि इंतजाम चाहे वो स्कूल हो इंस्टीट्यूट हो किस तरीके के किए गए हैं, क्योंकि भारत के लिए एक ऐतिहासिक दिन आज है और ये ऐतिहासिक दिन जाहिर है जनता और जो स्टूडेंट हैं उनके साथ साझा कर ही इस सफलता को जश्न के तौर पर मनाया जा सकता है, तो किस तरीके का माहौल है? बिल्कुल बुशरा, मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से आप देखते हैं छोटे छोटे बच्चे जो आज ये आंचलिक विज्ञान केंद्र पहुंचे हैं इस जो चंद्रयान 3 के जो लॉन्चिंग है उसको लेकर, यहीं अगर आप देखें तो यहाँ पर पूरे चंद्रयान की तैयारियों को लेकर बच्चों के साथ साथ जो यहाँ के अधिकारी हैं वो भी पूरी तैयारियों के साथ यहाँ पर मॉडल उन्होंने दिखा रखा है, मॉडल के साथ साथ उन्होंने साफ इसमें बताया जा रहा है कि कि बच्चे इसमें इसको लेकर क्या सोचते हैं, बच्चों में जो उत्साह है उसको लेकर बच्चे खुद यहाँ पहुँचे हैं आंचलिक विज्ञान केंद्र, इनको ये बताया जा रहा है, इस मॉडल के जरिए भी ये बताया जा रहा है कि चंद्रयान में किस प्रकार से इसमें काम किया जाएगा और क्या उत्साह उन्होंने। हमारे साथ कुछ बच्चे हैं, उन्हीं से बात कर लेता हूँ। क्या नाम है आपका? हर्ष सोनवाना है। ये आज चंद्रयान 3 का लॉन्चिंग है, क्या कैसा लगा? ये अच्छा सफल होता है तो मुझे बहुत खुशी होंगी और ये अपने इंडिया के लिए बहुत गर्व की बात है अगर ये सक्सेस होता है तो। आप यहाँ देखने आए हैं चंद्रयान 3 के बारे में, आपको यहाँ आंचलिक विज्ञान केंद्र ने किस प्रकार से समझाया कि चंद्रयान 3 है क्या और क्या काम है? ये मतलब अपने मून पे जाने वाला, मतलब मून पे जाएगा और ये मतलब अपने इंडिया के लिए बिग सक्सेस रहेगी। बिल्कुल, और भी कुछ बच्चियां हैं जो बताएंगे कि हमें किस प्रकार से उन बच्चों में उत्साह है तो वो बताएंगे। बेटा आज चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग है, कितना उत्साह है आपको? मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि ये इंडिया और इंडिया के लोगों के लिए बहुत प्राउड का मूवमेंट है और क्योंकि ये तीसरा है और मुझे बहुत खुशी होती है जब हमारा इसरो या कोई भी लॉन्च करता है तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। अगर देखा जाए तो इन छोटे छोटे बच्चों में एक उत्साह आप देख रहे हैं कि अभी चंद्रयान की जब लॉन्चिंग है, चाहे इन्हें अभी ये पता चला जिस पर जितना जानते हैं या जितना बताया गया है कि चंद्रयान जाके चंद्र पर क्या करेगा, किस प्रकार से वहां पर वे हमें पता चलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ जो बच्चों को दिखाने के लेकर दिखाई इसरो का पूरा लाइव यहाँ पे दिखाया जा रहा है और बच्चे यहाँ बड़े उत्साह हैं कि चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग जब होगी तो उन्हें किस प्रकार से यहाँ देखने को मिलेगा। तो मतलब ये देख सकते हैं कि पूरी तैयारियां यहाँ पे कर ली गई है आंचलिक विज्ञान केंद्र में कि बच्चों को इस जो चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग है उसके बारे में पूरी और एक एक चीज की जानकारी लग सके कि कहीं जो बच्चों में कि जो भी इनके मन में कहीं क्वेश्चन आ रहे हैं या कोई प्रश्न उठते हैं तो उसको लेकर भी इन बच्चों के मन की पूरी चीजें निकल जाए और बच्चों को ये जानकारी लगे कि आने वाले समय में चंद्रयान 3 जब अगर सक्सेस हो जाता है तो किस प्रकार का काम करेगा। जैसे हमें कुछ बच्चों ने बताया कि चंद्रयान 2 जब सक्सेस हुआ था अपनी राह से भटक गया तो कहीं ना कहीं दुख हुआ था और चंद्रयान 3 अगर सक्सेस होता है तो कहीं ना कहीं देश के साथ साथ इन बच्चों के मन में भी उत्साह भरेगा और इसरो का ये प्रोजेक्ट जो है अगर सफल होता है तो कहीं ना कहीं बच्चों के मन में भी एक उत्साह और देश की जो आम जनता है उसके मन में भी हमें खुशी का माहौल देखने को मिलेगा कि चंद्रयान 3 जो हमारा रहा सफल हुआ तो इसको लेकर भी बच्चों में काफ़ी उत्साह है। जी बुशरा। चलिए संजय लौटूंगे आपके पास, हमारे साथ हेमंत भी लगातार जुड़े हुए हैं। हेमंत बहुत कम समय बचा है, महज 9 मिनट का समय बचा है जब चंद्रयान 3 की जो उड़ान है वो भर जाएगी।
जाहिर है इसको साक्षी बनाने के लिए जगह जगह इंतजाम किए गए, हर कोई उस पल का इंतजार कर रहा है कि कब ये रॉकेट लॉन्च होगा। तो व्यवस्थाएं इसको लेकर के स्कूल कॉलेजों में, और आप कहां पर इस वक्त मौजूद हैं, क्या इंतजाम वहां पर किए गए? जी हेमंत। हाँ, देखिए पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय के फिजिक्स डिपार्टमेंट पर मैं हूँ और यहाँ पर भी व्यवस्था की गई है, और कुछ देर बाद यानी 8 से 9 मिनट का वक्त रह गया है इस लॉन्चिंग को, और चंद्रयान 3 को लेकर काफ़ी उत्साहित हर कोई छात्र हो फिजिक्स डिपार्टमेंट से जुड़ा या हर कोई भारतवासी हो, बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। और आज का दिन काफ़ी ऐतिहासिक है, और जिस तरीके से लखनऊ के संवाददाता ने भी बताया कि लखनऊ की बेटी पूरी इस मिशन को लीड कर रही है ऋतु, और काफ़ी तैयारी इस मिशन को लेकर की गई थी। 2019 में चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग हुई थी, लेकिन टेक्निकल इशू के कारण सफल नहीं हो पाया था, लेकिन एक बार इम्प्रूवमेंट के साथ इस बार चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग हो रही है, और पूरा भरोसा सभी को, हर एक देशवासियों को भरोसा है कि ये चंद्रयान 3 लॉन्चिंग सफल होगा। और ये तमाम स्टूडेंट हैं, यहाँ पर व्यवस्था की गई है, प्रोजेक्टर लगाया गया है और लाइव सीधा प्रसारण तमाम जो छात्र हैं वो यहाँ से चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग को देखेंगे। जी, और क्योंकि जाहिर है ये भारत के लिए एक ऐतिहासिक पल होने वाला है, हर कोई इस बात की भी दुआ कर रहा है आज कि ये चंद्रयान 3 जो है वो सफल प्रोजेक्ट हो पाए। अगर हम इसकी सफलता को लेकर के बातचीत कर ले हेमंत, तो अगर चंद्रयान 3 सफल हो जाता है तो भारत के लिए ये कितना महत्वपूर्ण है या कितना अच्छा साबित हो सकता है? जी हेमंत। देखिए कुछ स्टूडेंट हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। 2019 में चंद्रयान 2 आया था, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू के कारण वो सफल नहीं हो पाया। चंद्रयान 3 सफल होता है तो कितना महत्वपूर्ण होगा भारत के लिए? आज का दिन हमारे लिए बहुत गौरव और महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज अपना देश भारत अमेरिका, रूस और चाइना के बाद अपना मिशन चंद्रमा की सतह पर भेजकर, और बेसिकली उस सतह पर दक्षिण पोल पर जहां पर आज तक कोई भी मिशन नहीं गया है, और वहां जाकर अपना जो मिशन है वो वहां पर नए नए वैज्ञानिक शोध करने वाले हैं। तो यह आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण और गौरव का दिन होगा अगर अपना चंद्रयान कम्प्लीटली सक्सेसफुल हो जाता है। आप बताइए, एक फिजिक्स स्टूडेंट हैं आप, किस तरीके से पूरे मिशन को देखते हैं, और अगर सफल होता है तो कितना कारगर साबित होगा भारत के लिए? रशिया, चाइना और अमेरिका के बाद इंडिया चौथा कंट्री बन जाएगा जो मतलब चंद्रमा के साउथ पोल पर चंद्रयान 3 को भेजने में सफल हो जाएगा। हालांकि ऐसा पहले नहीं हो पाया था, 22 जुलाई 2019 को टेक्निकल इश्यूज के कारण वो साउथ पोल पर तो पहुंच गया था, पर अंधेरा होने के कारण या जो चंद्रमा के क्लस्टर्स के कारण, क्रेटर्स के कारण, यानी कि उतने अच्छे से सफल नहीं हो पाया था मतलब, तो वो टेक्निकली इश्यूज थे, उनको इम्प्रूव किया गया है, सोलर प्लैनेट्स वगैरह उसमें लगाए गए हैं, आई थिंक इम्प्रूव होगा। क्या लगता है आपको, सफल होगा चंद्रयान 3? सफल होगा, जरूर होगा, क्योंकि उसे संपर्क टूटा था, संकल्प नहीं टूटा था, तो इस समय जब सफल होंगे तो हमारे देश को भी गिना जाएगा इसमें। देखिए दूसरा, यही आत्मविश्वास चंद्रयान 3 को सफल बनाएगा, संकल्प नहीं टूटा है छात्रों का कहना है, और मिशन जिस तरीके से वैज्ञानिक काम कर रहे थे, कुछ टेक्निकल इशू 2019 में जब 22 जुलाई को आई थी उसके बाद इम्प्रूवमेंट काफी किया गया है, और वैज्ञानिकों के साथ साथ पूरे देशवासियों को भरोसा है कि चंद्रयान 3 इस बार सफल होगा। जी वाकई में हेमंत, एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर कुछ जो है लोगों से जानने को मिली कि संकल्प नहीं टूटा है, भले ही संपर्क टूट गया हो, और यही संकल्प है जो एक बार फिर से चंद्रयान 3 को लेकर के भारत डटकर फिर से तैयार है, और एक बार फिर से चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के बाद वो जो अधूरे काम रह गए थे उन्हें पूरा करने के लिए भारत एक बार फिर से तैयार है। जी निश्चित तौर पर, और यही आत्मविश्वास
लोगों का है, न सिर्फ छात्र बल्कि हर एक देशवासियों का। बेसब्री से इसका इंतजार किया जा रहा था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम से लाइव जुड़ेंगे। इसके साथ साथ सभी जो केंद्रीय मंत्री हैं वो अलग अलग शहरों में, राजधानियों में कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं और एक ऐतिहासिक दिन है भारत के लिए। हर एक देशवासी इस को उत्सव के तरह से मनाएंगे। आप बने रहिएगा, नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट्स और भी लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट में 3 लैंडर रोवर और कुछ खासियतें हैं जिनको लेकर एक बार फिर से इस संकल्प की ओर आगे बढ़ रहा है भारत। तो आपको हम वो विशेषताएं, वो खासियतें बता रही हैं चंद्रयान 3 को लेकर। दरअसल स्पेसक्राफ्ट के 3 लैंडर रोवर और प्रोपल्शन मॉड्यूल करीब 40 दिन बाद यानी कि 23 या फिर 24 अगस्त को लैंडर और रोवर चांद के साउथ पोल पर उतरेगा। दोनों 14 दिन तक चांद पर एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रमा के ऑर्बिट में रहकर धरती से आने वाले रेडिएशन की स्टडी करेगा और मिशन के जरिए लूनर सरफेस कितनी सिस्मिक है, सॉइल और डस्क की स्टडी की जाएगी, यानी करीब से ये तमाम जानकारियां जो हैं वो जुटाने की कोशिश की जाएगी। और क्रायोजेनिक इंजन स्टार्ट होने के चलते रॉकेट की रफ्तार 36,968 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगी। लॉन्चिंग के 16 मिनट बाद चंद्रयान 3 पृथ्वी की कक्षा में स्थापित हो जाएगा और धीरे धीरे अपना ऑर्बिट बढ़ाकर चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर जाएगा। और आदि पुरुष फिल्म की बजट से सस्ता ये चंद्रयान 3 पड़ रहा है। चंद्रयान 3 का बजट लगभग 615 करोड़ रुपए है। 4 साल पहले भेजे गए चंद्रयान 2 की लागत 603 करोड़ रुपए थी और इसकी लॉन्चिंग पर भी 375 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। वहीं चंद्रयान 1 की बात कर ली जाए तो लॉन्च 22 अक्टूबर 2008 को किया गया, जिसका वजन 1380 किलो, खर्च की अगर बात की जाए तो 386 करोड़। और चंद्रयान 1 से 312 दिन तक चांद के चक्कर लगाए थे। पहला मिशन जिसने चांद की सतह पर पानी के सबूत पाए, चंद्रयान 2 में लॉन्च 22 जुलाई को किया गया 2019 में, जिसका वजन 3,877 किलो था, जिसका खर्च 978 करोड़ रुपए आया। और चंद्रयान 2 की अगर बात कर ली जाए तो मकसद चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचना था, लेकिन सॉफ्टवेयर गड़बड़ी की वजह से लैंडर की क्रैश लैंडिंग हो गई, जिसकी चंद्रयान 3 में एक बार फिर से इसे रिलॉन्च किया जा रहा है, जो 14 जुलाई 2023 यानी कि आज किया जा रहा है। और अगर आज होने वाले चंद्रयान 3 को लेकर के बात कर ली जाए, उसकी पूरी जानकारी से जुड़ी, दरअसल उसका वजन 3,900 किलो है, जिसका खर्च 615 करोड़ रुपए है। और चंद्रयान 3 का मकसद है कि दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचा जा सके चांद पर और पानी की खोज के साथ वहां की जो मौजूदा स्थिति है उसका बारीकी से पता लगाया जा सके। तो ये कुछ विशेषताएं हैं जो हमने आपको बताई चंद्रयान 1, 2 और 3 से जुड़ी। और साथ में हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए ये भी समझाने की कोशिश की कि आखिरकार आज की जो लॉन्चिंग होने वाली है चंद्रयान 3 की, वो कितनी महत्वपूर्ण है भारत के लिए, क्योंकि अब जो चुनिंदा 2-4 देश हैं उसमें अब भारत शामिल हो जाएगा, और ना सिर्फ शामिल हो जाएगा बल्कि उन खोज के साथ शामिल हो जाएगा जो शायद किसी और देश के पास नहीं होगी। और चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं श्रीहरिकोटा, जहां पर चंद्रयान 3 को लेकर, लॉन्चिंग को लेकर जो तैयारियां चल रही है, वहां से क्या तस्वीरें निकल कर के सामने आई है, कितनी सारी भीड़ लोगों की वहां पर पहुंची हुई है इस लॉन्चिंग के साक्षी बनने के लिए। द लॉन्च व्यू गैलरी विद द ओवरवेलमिंग क्राउड ऑफ विजिटर्स। पूरे दर्शक दीर्घा यहां बहुत उत्साहित,
मौसम में थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन सब अपनी सुविधाओं के साथ में यहां उपस्थित हुए हैं। वी आर क्लोज टू 4 मिनट्स फ्रॉम द शेड्यूल लॉन्च टाइम। -4 मिनट्स। और लगातार हमारे साथ, जैसा कि हमारे संवाददाता संजय डूंगर दिवे लाइव जुड़े हुए हैं। संजय, क्या अपडेट्स और मिल पा रहे हैं, क्योंकि कुछ ही समय शेष बचा है जब हर कोई इसका साक्षी बनेगा और एक चंद्रयान 3 को लेकर जो उड़ान भरने वाली है उसको लेकर उत्साह लोगों के बीच में काफी है। क्या अपडेट्स इससे जुड़े मिल पा रहे हैं संजय? बिल्कुल भूषा, मैं जिस टाइम अभी खड़ा हूँ आंचलिक विज्ञान केंद्र, तो आप देख सकते हैं यहाँ बड़ी संख्या में लोग उपस्थित है और एक एक चीज जो यहाँ लाइव दिखाई जा रही है उसके दिलों पर देख रहे हैं। लोगों में ये उत्साह है कि कब ये चंद्रयान उड़ेगा और कब हमारे देश की सफलता हमें देखने को मिलेगी। आप देख सकते हैं कि एक एक चीज का लाइव, और जो यहाँ के अधिकारी है वो इन बच्चों को ये समझाया जा रहा है कि अब क्या होना है, यानी कि ये कहा जा सकता है चंद्रयान की जो लॉन्चिंग है उसको लेके बच्चों के मन में भी एक कह सकते हैं धड़कने बढ़ गई है, क्योंकि चंद्रयान 2 जब गया था तो कहीं ना कहीं राह भटकने के बाद उस भारतीयों के मन में थोड़ी सी उत्साह कम हुआ था। लेकिन आज जो उत्साह है बच्चों के साथ साथ जो यहाँ बड़े भी हैं, यही नहीं कि बच्चे, बच्चों के पालक भी हैं, टीचर्स भी हैं, और उन्हें भी ये देखना है कि अब चंद्रयान 3 की, क्योंकि कुछ समय बचा है, शेष बचा है, उसके बाद चंद्रयान उड़ने वाला है, तो उसको लेकर एक बच्चों के मन में अपने आप में उत्साह भरा हुआ है। और बच्चे यही कह रहे हैं कि अगर ये देश की, हमारे देश की एक सबसे बड़ी शान होगी जब हमारा देश का चंद्रयान, जब चंद्रयान की ध्रुव जो दक्षिण उत्तरी ध्रुव है उस पर जब उतरेगा तो कहीं ना कहीं हमारे देश की एक शान बढ़ेगी। और उसके बाद बच्चों में एक अलग उत्साह हम देख रहे हैं, यहाँ बच्चों के साथ साथ बड़ों में भी वो उत्साह देखा जा रहा है कि ये चंद्रयान को लेकर देश के प्रति जो गदगद लगेगा, तो वो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। जी। और इसके अलावा हम देख रहे हैं कि काफी भीड़ है लोग। चलिए लौट रही हूँ संजय आपके पास। हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि महज 3 मिनट से भी कम का समय बचा हुआ है, हर कोई, महज 1 मिनट बचा है जब इस चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग होगी और पूरा भारत इसका साक्षी बनने वाला है। हम देख रहे हैं ये जो लाइव तस्वीर है, वी आर क्लोज टू 1.5 मिनट्स फ्रॉम द शेड्यूल्ड लॉन्च टाइम। लोगों की काफी भीड़ है, हर कोई इस पल को अपने सभी दर्शकों को ज्ञात है, यह एक ऐतिहासिक मिशन होने वाला है, पूरे भारतवर्ष की आंखें इसमें हैं। इस यादगार पल के लिए यहां सब उपस्थित। -1 मिनट एवं उड़ान से 1 मिनट की दूरी पर। -50 seconds. All sequences sound. Stage ready. -45 seconds. -40 seconds. L110 VHPP opened. MOV-79 opened. -30 seconds. -30 seconds. Real-time programs activated. -25 seconds. L110 VHPP opened. -20 seconds. -15. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. +5 seconds. Lift off normal. Here we have a majestic lift off of LVM3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan 3 spacecraft. Speed to tracking. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन LVM3 M4 रॉकेट का। यह भीमकाय रॉकेट आसमान को चीरते हुए अपनी भयानक दहाड़ से चारों ओर कंपन उत्पन्न कर रहा है, जिसे हम यहाँ महसूस कर सकते हैं।
और ये सफलता पूर्वक इस रॉकेट को छोड़ा गया, ये लाइव तस्वीर है। चंद्रमा की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। ये वो ऐतिहासिक तस्वीरें जिसका इंतजार काफी समय से हर किसी को था और अपनी आंखों में हर किसी ने ये ऐतिहासिक तस्वीरें कैद की कि भारत की सफलता की ओर आगे बढ़ता हुआ ये रॉकेट और अब से 15 दिन बाद ये क्या सफल संदेश लेकर आएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। तो चलिए इसको लेकर एक विशेषताएं इस चंद्रयान तीन को लेकर हम आपको बता रहे हैं, जहां स्पेसक्राफ्ट के तीन लैंडर होवर और प्रोपल्शन मॉड्यूल करीब 40 दिन बाद यानी कि 23 या 24 अगस्त को लैंडर और रोवर चांद के साउथ पोल पर उतरेगा और दोनों 14 दिन तक चांद पर एक्सपेरिमेंट करेंगे। प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रमा के ऑर्बिट में रहकर धरती से आने वाले रेडिएशंस की स्टडी करेगा और मिशन के जरिए लूनर सरफेस कितनी सिस्मिक है, सॉइल और डस्क की स्टडी की जाएगी, जिसमें क्रायोजेनिक इंजन स्टार्ट होने के बाद रॉकेट की रफ्तार 36,968 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगी। लॉन्चिंग के 16 मिनट बाद चंद्रयान 3 पृथ्वी की कक्षा में स्थापित हो जाएगा, धीरे धीरे अपना ऑर्बिट बढ़ाकर चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर जाएगा। तो चंद्रयान 3 का बजट लगभग 615 करोड़ रुपए है। 4 साल पहले भेजे गए चंद्रयान 2 की लगभग लागत 603 करोड़ रुपए है और इसकी लॉन्चिंग पर भी 375 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। नाउ द S-200s हैव बीन सेपरेटेड। घटनाक्रम के अनुसार यह यान इस यान से S-200 स्ट्रैप-ऑन बूस्टर्स को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है। यह काम सेपरेशन मोटर्स की मदद से किया जाता है। इसके बाद L-110 तरल नोदक पर आधारित और विकास इंजन के साथ यह चरण सामान्य निष्पादन करता हुआ अपने उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ रहा है। अब यान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत है। L-110 स्टेज परफॉर्मेंस नॉर्मल। तो चलिए हमारे संवाददाता लाइव लगातार जुड़े हुए हैं, घनश्याम चौरसिया भी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं लखनऊ से। घनश्याम, कुछ ही मिनट पहले चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग हुई, किस तरीके का माहौल उत्तर प्रदेश में भी देखा जा रहा है इसकी लॉन्चिंग पर, क्योंकि हमने देखा कि हर कोई साक्षी बना है इस ऐतिहासिक पल का। जी घनश्याम। बिल्कुल बुसरा, निश्चित तौर पे लखनऊ के लिए भी ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि यही की डॉक्टर रितु यहीं से बिलोंग करती है और मिशन डायरेक्टर इस बार हैं, तो ऐसे में लखनऊ के लिए बेहद खास है। और हमारे साथ इस बाबत बात करेंगे सुमित जी हैं। सुमित जी वैज्ञानिक हैं। सर, कितना महत्वपूर्ण है आज का ये मिशन चंद्रयान 3 को लेकर के, चूंकि 2 बार हम लोग कहीं ना कहीं से निराशा मिली है, तीसरी बार कुछ अपडेटेशन के साथ हो रहा है। हाँ नहीं, चंद्रयान 1 एकदम सक्सेसफुल मिशन था और चंद्रयान 1 ने सबसे पहले चंद्रमा पे पानी की खोज की थी। इवन नासा ने भी जो उससे पहले मून ऑर्बिटर मिशन भेजे थे उसमें कभी भी वाटर मॉलिक्यूल्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई थी, लेकिन चंद्रयान 1 ने पानी का सफलतापूर्वक ये ऑब्जर्वेशन भेजी थी कि पानी वहाँ हो सकता है। चंद्रयान 2 की जो लैंडिंग थी वो क्रैश लैंडिंग थी, इस वजह से हमें वहाँ पर डाटा या फिर कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं कर पाए। बट चंद्रयान 3 जो है वो इस वक्त लॉन्च हो चुका है और वी आर होपिंग कि वो सक्सेसफुली वहाँ पे लैंड करेगा। डॉक्टर रितु कारीधर लखनऊ से बिलोंग करती हैं, उन्होंने मंगलयान को उन्होंने मिशन डायरेक्ट किया था और इस वक्त वो चंद्रयान 2 को देख रहे हैं, तो हमें पूरी उम्मीद है कि वो इस बार सक्सेसफुल होगा। ये इस बार क्या खास है, क्या टेक्निकली कुछ बदलाव किए गए हैं मिशन चंद्रयान 2 से 3 को? चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 में एक बहुत ही बड़ा मेजर जो डिफरेंस है वो ये है कि चंद्रयान 2 में ऑर्बिटर था और इस बार इस चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर नहीं होगा, चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर यूज किया जा रहा है। चंद्रयान 3 में आपका लैंडर एंड रोवर है, जो कि लैंडर का काम रोवर को सेफली लैंड कराना है चंद्रमा की सरफेस पे, और साथ ही साथ जो भी उसके जो ट्राइपॉड्स हैं जिसपे वो लैंड करेगा उनको भी चेंज किया गया है। यानी पिछली बार की जो खामियां थी उसको रेक्टिफाई किया गया है इस बार
जो भी चीज़ें करके सीखी जाती हैं, जो भी पिछली बार जो भी रुकावटें रही हों या भी जो भी त्रुटियां रह गई होंगी उनको इस बार 85% किया गया होगा। और इसरो का रिकॉर्ड है कि वो अपना 100% देता है और हमेशा सक्सेसफुल होता है। अगर पिछली बार नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, लेकिन इस बार जरूर सक्सेसफुल होंगे हम। ये साउथ पोल पे जहाँ पे लैंड करेगा वहाँ पे भी दुनिया का कोई भी वो इम्पटी कितना महत्वपूर्ण है ये, अगर ये सक्सेसफुल होता है तो क्या कुछ बदलाव देखने के लिए मिलेगा? साउथ पोल हमारा जो चंद्रमा का साउथ पोल है वो ह्यूमन टच से अछूता है, और इवन अगर हम देखें तो साउथ पोल पे टेलीस्कोप से भी हम लोग नहीं देख पाते हैं। तो वहाँ पे इस बात की संभावना है कि वहाँ पे पानी हो, अगर पानी है तो हो सकता है कि वहाँ पे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ पे कुछ साइंस हो, कुछ ऐसी चीज़ें हों जिससे हमें ये पता चल सके कि वहाँ जीवन है, और वहाँ पे कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म किए जा सकते हैं जो कि विदाउट एटमॉस्फियर परफॉर्म होने चाहिए। आज ये महज कुछ मिनट पहले, चंद मिनट पहले ये लॉन्च कर दिया गया, प्रक्षण कर दिया गया। अब जो है आगे का क्या प्रोसेस होगा, किस तरीके से इसे मॉनिटरिंग की जाती है, किस तरीके से 50 दिन तक इसको रोवर से आपका रोवर से ऑर्बिटर का कनेक्शन रहता है, और जो भी कम्युनिकेशन होती है रोवर टू ऑर्बिटर एंड ऑर्बिटर टू हमारे ग्राउंड स्टेशन पे आते हैं, और इसके अलावा जो भी एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने हैं वो यहाँ पे ग्राउंड स्टेशन से उसको डायरेक्ट किया जाएगा, वो परफॉर्म करेगा। जो मिशन की जो मिशन का जो लाइफ पीरियड होता है, लाइफ स्पॉन होता है, उससे मिशंस ज़्यादा ही चलते हैं। जैसे स्पिरिट एंड अपॉर्चुनिटी मंगल पे गए थे तो उनका जो लाइफ पीरियड था वो 6 महीने था, लेकिन उन्होंने 3 साल तक काम किया था, तो लेट्स होप कि ये भी काफ़ी दिन तक काम करेगा। एक मैसेज देना चाहेंगे इससे जुड़े हुए, स्पेस से जुड़े हुए लोगों, बच्चों के लिए, इससे जुड़े हुए लोगों के लिए? स्पेस कम्युनिटी या एस्ट्रोनॉमी कम्युनिटी के लिए यही है कि जो भी आप भी इस फील्ड में आगे आ सकते हैं, एस्ट्रोनॉमी को ज्वाइन कर सकते हैं, और जो हमारे इंडिया में भी अब प्राइवेट सेक्टर्स में एस्ट्रोनॉमी में भी प्राइवेट सेक्टर्स ओपन हो रहे हैं, जैसे यूएसए में स्पेसएक्स है, इसी तरीके से इंडिया में भी कई कंपनियां जिसमें स्पेस रूट जो भी अभी जिसने चंद्रयान 3 में भी काफ़ी मदद करी है, तो उसमें आपके पास स्पेस सेक्टर में एस्ट्रोनॉमी सेक्टर में भी कई सारे अपॉर्चुनिटीज ओपन हो रही हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक ऐतिहासिक है रितु, डॉक्टर रितु के बारे में बात करेंगे, लखनऊ की बेटी है, कई मिशन में उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, इस बार वो मिशन डायरेक्टर हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? लखनऊ के लिए तो और भी गौरवान्वित वाले पल है। डॉक्टर रितु कार्यधाल मंगलयान के समय मिशन डायरेक्टर थी, और मंगलयान सक्सेसफुल हुआ था अपने पहले ही लॉन्च में, चंद्रयान 2 के अनसक्सेसफुल होने के बाद में, तो इस बार डॉक्टर रितु कार्यधाल को इसकी जिम्मेदारी दी गई है, तो वी आर होपिंग कि चीज़ें सही हों और लैंडर अपने निर्धारित जगह पर उतरे। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आप सुमित जी थे, वैज्ञानिक अधिकारी हैं यहाँ पे नक्षत्रशाला में, और मैं और भी तस्वीरें आपको दिखाऊंगा कि देखें यहाँ पे विशेष स्क्रीनिंग की जा रही है नक्षत्रशाला में, कि यहाँ पे इस विशेष स्क्रीनिंग के तहत यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से जो प्रेक्षण हो रहा है उस प्रेक्षण का लाइव सजीव प्रसारण यहाँ पे किया जा रहा है। इसके अलावा अगर बात करें तो परिवार भी बहुत खुश है, उनके परिवार से बात हुई हमारी, उनके भाई से बात हुई हमारी, उन्होंने कहा कि ये ऐतिहासिक पल है और ख़ासतौर पर परिवार के लिए, वो व्यक्तिगत रूप से डॉक्टर रितु कार्यवाल व्यक्तिगत रूप से इसको लेकर के शुरू से ही डेडिकेटेड रही हैं, ऐसे में वो डेडिकेशन का ही नतीजा है आज उनको इस तरीके के एक इनाम के तौर पे और एक ऐतिहासिक पहल करने का मौका मिला है, ऐतिहासिक काम करने का मौका मिला है, तो ऐसे में वो जो आज मिशन डायरेक्टर पे हैं और पहले से भी हैं, और उन्होंने शुभकामनाएं भी प्रेषित किया है कि लखनऊ की तरफ से और खासतौर पर उनके परिवार की तरफ से उनकी नज़रें इस पर बनी हुई हैं जी। बुसरा और घनश्याम साथ ही आपसे जानना चाहेंगे, काफ़ी विस्तार से आपने उनसे बातचीत की और जो पूरा आगे ये प्रोजेक्ट होने वाला है इसको भी आपने विस्तार से करीब से हमारे दर्शकों तक जानकारी पहुंचाई, लेकिन बतौर मीडिया एनालिसिस अगर हम बात कर लें, आखिर इस चंद्रयान 3 के सफल हो जाने के बाद भारत के लिए कितनी और सफलताएं आगे नजर आ जाएंगी? देखिए मिश्रा, किसी भी देश का विकास और किसी भी देश की प्रोजेक्टेड विकास को अगर देखा जाए तो ये माना जाता है कि उसको एयर स्पेस पे उसकी कितनी भागीदारी है, और अगर ये सफल प्रेक्षण होता है और आज जिस तरीके से प्रेक्षित कर दिया गया है, तो ऐसे में भारत का एक थाक एयर स्पेस में और देश दुनिया में दिखाई देगा। तो अगर इसे अगर ओवरऑल देखा जाए तो जाहिर बात है इसका भारत के साथ साथ इसरो के साथ साथ भारत के साथ साथ पूरी दुनिया की नज़र इस पर है
कि और जिस तरीके से चंद्रयान दो का असफल परीक्षण हुआ, उसका ऑर्बिट और जिस तरीके से उसकी कनेक्टिविटी ख़त्म हुई, उसके बाद उसी वक्त लग रहा था कि ये एक सफल हो जाएगा और जो है वो सफलता की सीढ़ी कदम चूमेगी, लेकिन कहीं ना कहीं वो कनेक्टिविटी ड्रॉप होती है और कनेक्टिविटी ड्रॉप होने के बाद ये इसके बाद इसरो ने साफ तौर पर कहा कि हम इस पर लगे रहेंगे, इस पर लगातार वर्क करेंगे और जो भी अपडेटेड वर्क होगा वो भी करेंगे और उसी बदलाव के साथ अब ये परीक्षण हो रहा है और 50 दिन बाद ये लैंड करेगा। उसके बाद इसमें कई तरीके की बदलाव भी जिस तरीके से कई तरीके की बदलाव भी देखने के लिए मिलेगी और बात करेंगे। हमारे साथ और भी लोग हैं, आप यहाँ पे आए हुए हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संकल्प है। संकल्प, आप आपकी रुचि? जी, मैं यहाँ पे प्लैनेटेरियम में मेंबर हूँ, तो हम सब जितने भी मेंबर्स हैं हम सब यहाँ पे आए हुए हैं देखने चंद्रयान 3 का लाइव लॉन्च। ये क्या लग रहा है, इस बार होप तो होगा? जी बिल्कुल, बहुत उम्मीद है इसरो से और वी आर वेरी श्योर कि इस बार जो हमारा रोवर और लैंडर है वो इस बार चंद्रमा की सतह पे लैंड होगा और जो भी मिशन है साइंटिफिक रिसर्च हमें करनी है मून पे वो हम सक्सेसफुली कर पाएंगे। आप लोग भी इसे रीड आउट करते हैं, इसको किस तरीके से देखते हैं, इसको किस नजरिए से देखते हैं? एक तो ये काफी इम्पोर्टेंट है ताकि जो भी यंग जनरेशन है, जो भी साइंस के प्रति काफी इच्छुक हैं, उनमें हम जिज्ञासा जगा सकें और स्पेस की जो फील्ड है उसमें हम काफी रिसर्च कर सकें और उन्नति कर सकें। आज के बारे में क्या जानकारी लिया आपने? अभी देख रहे हैं कि प्रक्षण कर दिया गया चंद्रयान 3 के तहत, अगर ये लैंड होता है जी तो ये कितनी बड़ी सफलता होगी भारत की? ये काफी बड़ी सफलता होगी क्योंकि इससे पहले सिर्फ 3 ही देश हैं जो ऐसा कर पाए हैं और हमारा जो भारत देश है वो 4th देश बन जाएगा। और ये एक तो पहली बात, कोई आसान काम नहीं है, काफी इसमें काफी अच्छी टेक्नोलॉजी की आपको जरूरत होती है कि आप ऐसे मिशन सक्सेसफुली कर सकें। क्या संदेश देंगे और अपने जैसे छात्रों को लेकर? यही संदेश देंगे कि आप ऐसे मिशंस को देखिए, साइंस और एस्ट्रोनॉमी में जिनको रुचि है वो इस फील्ड में आगे पढ़िए, अब तो काफी अपॉर्चुनिटीज भी आ गई हैं, तो इस पे काम करिए और बाकी हमारी जो स्पेस हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है इसरो वो काफी अच्छे से काम कर रही है। काफी रितु करीढाल यही लखनऊ से हैं जो मिशन डायरेक्टर हैं इसमें। मंगल मंगल मंगलयान के वक्त उसमें मिशन मंगल के तहत उस वक्त भी मिशन डायरेक्टर थी, तो यहीं से बढ़कर के इस समय इस लॉन्चिंग को लेकर के भी वो मिशन डायरेक्टर हैं, तो क्या कहेंगे इस पे? इस समय तो लखनऊ के लिए भी बहुत ऐतिहासिक। जी बिल्कुल, लखनऊ के लिए भी ऐतिहासिक है और वो काफी इंस्पिरेशन है हम सबके लिए कि जैसे वो इस ग्रास रूट लेवल से आज जिस लेवल पे वो पहुंच गए तो हम सब के लिए इंस्पिरेशन है और हम सब भी उनकी तरह कुछ ऐसा करना चाहेंगे फ्यूचर में। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ये छात्र हैं यहाँ पे जो लॉन्चिंग का लाइव सजीव प्रसारण यहाँ पे दिखाया जा रहा है, उस स्ट्रीमिंग को देखने के लिए आए हैं, यहाँ पे समझने के लिए आए हैं जिस तरीके से प्रक्षण हुआ है, उसकी विशेष स्क्रीनिंग यहाँ पे नक्षत्रशाला इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला में किया जा रहा है, उसको देखने के लिए आए हैं और काफी प्रभावित हैं और उसको लेकर के काफी खुश है और वो उनको उम्मीद भी है कि इस बार जो है सफल प्रक्षण होगा। जी बिस्रा जी, घनश्याम, एक काफी अच्छी बात यहाँ पर मैंने सुनी कुछ देर पहले कि चंद्रयान 2 के समय संपर्क भले ही टूट गया हो लेकिन संकल्प वही था और इसी संकल्प को आगे बढ़ाते हुए जिस तरीके से नए नियमों को बनाते हुए और नई तकनीक के सहारे ये एक बार फिर से चंद्रयान 3 को लेकर के जो कोशिश हो रही है, एक टेक्निकल तौर पर मैं आपसे भी समझना चाहूंगी कि आखिर क्या नए एक्सपेरिमेंट या क्या नए सप्लीमेंट्स इस बार चंद्रयान 3 के लिए किए गए हैं, चाहे वो बजट को लेकर के हो या तकनीकी सप्लीमेंट और उसमें बढ़ाने को लेकर के हो? वो संपर्क टूटा था उस वक्त की तस्वीरें पूरे भारत ने देखा कि जिस तरीके से खुद पीएम मोदी वहां पर चल के गए, ढांढस बधाए और उसके बाद बयान सरकार की तरफ से आता है, इसरो की तरफ से आता है, उसमें साफ तौर पे कहा जाता है कि इस प्रोजेक्ट को लेकर के, इस मुहिम को लेकर के हम लोग फिर से तैयारी करेंगे और इसके शुरू से लेकर के अंतिम तक जो भी इसमें कुछ होगा सरकार की पूरी सहयोग रहेगी। और आज महज कुछ साल बाद ही फिर से ये तस्वीरें और ये ऐतिहासिक पल फिर से आ गया है और फिर से ये चंद्रयान
3 का परीक्षण कर दिया गया है। तो जाहिर बात है कि इसको लेकर के जो चाहे वो वैज्ञानिक हो, इसरो हो, या फिर इससे जुड़े हुए जितने भी मंत्रालय हो, पूरा डेडिकेशन दिखाई देता है और इसी डेडिकेशन के साथ आज काम किया गया है कि आज की ये तस्वीरें और इस ऐतिहासिक पल के गवाह हम लोग बन रहे हैं। तो जाहिर बात है कि उसमें चाहे सरकार हो, चाहे इसरो हो, चाहे उससे जुड़े हुए वैज्ञानिक हो, और चाहे मंगलयान को लेकर के जो रिसर्च कर रहे हैं, जो लोग इनका इसको लेकर के जिनकी एक्सपर्टीज, वो उनका एक महत्वपूर्ण डेडिकेशन है, उनका एक महत्वपूर्ण इसमें योगदान है। और यही कारण है कि अभी सबको सभी के इसमें संयुक्त प्रयास के बाद ये तस्वीरें और इस ऐतिहासिक पल के गवाह हम लोग बन रहे हैं। बुसरा श्री घनश्याम, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो एक बार फिर वही बात मैं दोहराना चाहूंगी कि संपर्क पिछली बार चंद्रयान 2 के समय संपर्क भले ही टूटा, लेकिन संकल्प नहीं टूटा। और एक बार फिर से चंद्रयान 3 की कोशिश को आगे बढ़ाते हुए आज जो लॉन्चिंग की गई है चंद्रयान 3 की, एक नए टारगेट को सेट करके नई तकनीक का सहारा लेकर ये आगे बढ़ा। और इस बार जो विशेषताएं हैं वो एक बार फिर हम आपको बता दें कि स्पेस क्राफ्ट के 3 लैंडर, रोवर और प्रोपल्शन मॉड्यूल करीब 40 दिन बाद यानी कि 23 या फिर 24 अगस्त को लैंडर और रोवर चांद के साउथ पोल पर उतरेगा और दोनों 14 दिन तक चांद पर एक्सपेरिमेंट करेंगे। प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रमा के ऑर्बिट में रहकर धरती से आने वाले रेडिएशन की स्टडी करेगा। मिशन के जरिए लूनर सरफेस कितनी सिस्मिक है, सॉइल और डस्ट की स्टडी की जाएगी। और क्रायोजेनिक इंजन के स्टार्टअप के बाद रॉकेट की रफ्तार 36,968 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगी। लॉन्चिंग के 16 मिनट बाद चंद्रयान 3 पृथ्वी की कक्षा में स्थापित हो जाएगा और धीरे धीरे अपना ऑर्बिट बढ़ाकर चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर जाएगा। तो ये पूरी जो प्रोसेस है वो आने वाले समय में हो रही है चंद्रयान 3 के साथ। और कुछ देर पहले पूरा भारत इसका साक्षी बना कि किस तरीके से चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग हुई। और आने वाले जो 15 दिन है वो भारत के इतिहास के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिर कितने सफल तरीके से चंद्रयान 3 अपने लक्ष्य को निर्धारित कर लेता है। और इसी के साथ बुलेटिन में आते हैं कुछ और खबरों के लिए, देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।